हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बनाऊंगी डोसा। तो डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ मेजर स्पून में चीज़ें ली हुई हैं। तो उनमें से मैंने चावल लिया हुआ है, ये जो है 250 ग्राम मतलब एक कप। तो चावल मैंने वही लिया हुआ है जो हम रोज़ खाने में यूज़ करते हैं। इधर मैंने ली हुई है धुली हुई उड़द दाल, तो ये मैंने ली हुई है 125 ग्राम। ये मैंने लिया हुआ है पोहा। तो पोहा वेट में हल्का होता है, तो इसलिए हम इसे ग्राम में नहीं बताएंगे, इसको हम लेंगे 3 चम्मच। और इधर मैंने ली हुई है ये चने की दाल, ये है 60 ग्राम। और इधर मैंने लिया हुआ है 1 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना हमें ज़्यादा नहीं लेना है 1 चम्मच से, अगर ज़्यादा लेंगे तो फिर डोसे में कड़वापन आएगा। चलिए, तो अब हम इन चीज़ों को 8 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भिगो के रखिएगा। तो मैं लूँगी इनको भिगोने के लिए एक बाउल। ये मैंने बाउल ले ली है, इसमें इन सब चीज़ों को डाल लूँगी। और पोहे को हम बाद में इसमें ऐड करेंगे जब हम इसको ग्राइंड करेंगे। पोहे को हमें बिल्कुल भिगो के नहीं रखना है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से धुल लेंगे 2-3 बार पानी से, इसको अच्छे से धुल के ले लेंगे सब चीज़ों को। अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं। बाउल को हम पूरा भर के रखेंगे ऊपर तक, जैसे मैंने भर के लिया हुआ है। अब हम इसको ढक देंगे एक प्लेट लेकर, और 8 घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको रखे हुए 8 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छे से फूल भी चुकी हैं सारी चीज़ें। अब हम एक लेंगे मिक्सी का जार, उसमें इसको डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इस तरह से हम मिक्सी के जार में इसको डाल लेंगे। और ये जो मैंने पोहा लिया हुआ था, इसको भी हम थोड़ा सा इसमें डाल लेंगे। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में, और इसी तरह से हम सारे चीज़ों को जो हमने भिगो के रखी थी उसको अच्छी तरह से पीस लेंगे इसी तरह से। अब हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको फिर से 7 से 8 घंटे के लिए फर्मेंटेशन आने के लिए ढक के रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको रखे हुए 8 घंटे हो गए हैं, ये काफ़ी फूल चुका है पहले की अपेक्षा। और ये देखिए, मैं चमचे से इसकी जाली दिखाऊंगी आपको, ये कितने बढ़िया से इसमें फर्मेंटेशन हुआ है। ये देखिए, अब मैं इसमें 3 चम्मच डालूंगी दही। और 1/2 चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड करेंगे। अभी हमारा मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा है, तो हम इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी डालकर इसको घोलेंगे अच्छे से। तो मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इससे बनाएंगे डोसा। तो डोसा बनाने के लिए मैं आज फ्राई पैन में डोसा बनाऊंगी। फ्राई पैन ले लिया है, और इसको मैंने पहले से ही 5 मिनट के लिए रखा हुआ था हाई फ्लेम पर। ये अच्छे से गर्म भी हो चुका है। अब मैं इस पर लगाऊंगी थोड़ा सा ऑयल, इस ब्रश से मैं ग्रीस कर लूंगी इसको इस तरह से। और थोड़ा सा हम इसको पानी का छीटा देंगे, और एक
टॉवल से या कॉटन के कपड़े से हम इसको अच्छे से पोंछ लेंगे। अब हम इस पे एक चमचा बैटर डालकर इसको अच्छे से राउंड शेप में घुमाएंगे। ये देखिए डोसा हमने बना लिया है। अब मैं इस पे डालूंगी थोड़ा सा डोसा मसाला। थोड़ा सा हम इस पे बटर डालेंगे। थोड़ा सा डालेंगे हम कटा हुआ प्याज जो हमने बारीक टुकड़ों में काट रखा है। और अब हम डालेंगे इस पर एक बड़ा चम्मच आलू का बना हुआ मसाला। इसको अच्छे से इस पे स्प्रेड कर लेंगे। और जब अच्छे से डोसा सिक जाता है तो वो खुद ही अपना निकल जाता है। ये देखिए साइडों से निकलने भी लग गया है ये। तो अब हम इसको करेंगे फोल्ड। ये देखिए और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। इसी तरह से हम सारे डोसे बना के रेडी करेंगे अपने। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।